नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भिलमार आपके चैनल जय भारत लेटेस्ट इन्फो में आपका स्वागत करता हूँ। Xiaomi के फ़ोन यूज़ करने वालों को एक अच्छी खबर आ रही है कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी Xiaomi जल्द ही Redmi Note 4 का सक्सेसर Redmi Note 5 जल्द लॉन्च करने वाली है। आप Xiaomi के इंडिया हेड मनु कुमार जैन ने कंपनी के नए प्रोडक्ट को लेकर ट्वीट किया है। मनु कुमार जैन ने ट्वीट किया है कि आ रहा है, आपका अंदाज़ा लगाइए ये क्या हो सकता है। कंपनी ने अपने टीजर के जरिए ये कंफ्यूजन बरकरार रखा है कि आने वाला स्मार्टफोन MI 6C होगा या Redmi Note 5 होगा। लीक रिपोर्ट की माने तो Xiaomi आने वाले दिनों में Redmi Note 5 लॉन्च कर सकती है। इस स्मार्टफोन को हाल ही में ओप्पो मार्ट पर लिस्ट किया गया है। इस लिस्टिंग के जरिए इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं, जिसके मुताबिक Redmi Note 5 में 5.9 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसका रिजोल्यूशन 2160x1080 पिक्सल होगा। साथ ही में ये 18.9 एस्पेक्ट रेशियो होगा, जिसका मतलब है लगभग एच टू एच डिस्प्ले के साथ आएगा। इसमें Qualcomm Snapdragon 625 दिया गया है, जो 3GB और 4GB रैम वेरिएंट में आ सकता है। साथ ही ये 32GB और 64GB के दो वेरिएंट में भी आएगा। इस लिस्टिंग की माने तो Redmi 5 Note में 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। ये Android Nougat 7.1 के साथ आएगा, जो MIUI 9 पर बेस्ड होगा। बताया जा रहा है कि इसमें 4000mAh की बैटरी होगी। लीक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी वाले फ़ोन की कीमत 10,000 से 11,000 के बीच होगी, और 4GB रैम और 64 इंटरनल मेमोरी वाले फ़ोन की कीमत लगभग 12,000 से 13,000 के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए और मेरा चैनल जय भारत लेटेस्ट इनको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिए। तो चलो मिलते हैं दोस्तों मेरे अगले वीडियो में। जय भारत।